नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कोविशील्ड के बारे में, फ्लाइटों के बारे में। जी हाँ, इंपॉर्टेंट मैसेज है और आप लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत भी है। और जिस तरीके से फ्लाइटों का अपडेट समय पे बढ़ता जा रहा है, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम समस्या आने वाली है अगस्त महीने में। जी हाँ, खास तौर से अगले महीने में आप देख लेना, मैं जो बता रहा हूँ ये हकीकत में ये प्रूफ है। ये भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंडिया के साइंटिस्ट हैं, वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, जो रिपोर्ट निकल के आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, WHO की रिपोर्टें, उनके आधार पर हम बात करेंगे। कुछ फैक्ट हैं वो भी हम बात करेंगे एविडेंस के साथ में। जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोविशील्ड के बारे में। जी हाँ भाई, कोविशील्ड एक इंडिया का अच्छा ब्रांड है, इनको बोल सकते हैं कि इनको इंटरनेशनल स्तर पे मान्यता मिली हुई, आप सबको पता है। जी हाँ, विदेशों में कई जगह इसको एस्ट्राजेनेका भी बोला जाता है। लेकिन एक वीडियो पहले भी मैंने बनाया था कि कुछ यूरोपीय देशों ने कोविशील्ड की, इंडिया की जो धमकी मिली थी उसके बाद में कोविशील्ड को मान्यता दे दी थी। जी हाँ, लेकिन अभी ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। जो लोग, इंडिया के बंदे कोविशील्ड का जो टीका लगा के यूरोप जाते हैं, यूरोपीय देशों में, जी हाँ, उनको एंट्री कई देशों में मिल रही है, नो डाउट, लेकिन उनको क्वारंटाइन किया जाता है। जी हाँ, ये टीका 99% फायदे वाला है, रिजल्ट बेस्ड है, इसको सबको पता है, सब देशों को। लेकिन फिर भी भाई यूरोपियन देशों ने एक संघ बना रखा है, संगठन में शक्ति होती है, सबको पता है। तो इसको इंडिया के जो लोग कोविशील्ड का टीका लेके जाते हैं उनको भी क्वारंटाइन किया जाता है ज़बरदस्ती। जी हाँ, यानी उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, नो डाउट। बाकी हम बात करें कि भाई कुछ देशों में तो एंट्री भी अलाउ नहीं है, कोविशील्ड का टीका लेके जाते हैं उनको एंट्री नहीं मिलती है। देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हालांकि WHO में भी अभी इसको मान्यता नहीं मिली है, कोशिश जारी है, कभी भी अगस्त में सितंबर में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी अभी तक कोई चांसेज इसके नहीं है। तो ये एक बड़ी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर की है कि भाई कोविशील्ड के टीके को भी यूरोप देशों में, कुछ देशों में एंट्री है, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है 10 दिन 14 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग नियम हो सकते हैं टाइम के। और कुछ देशों में तो एंट्री नहीं है, यानी कोविशील्ड को वो मानते भी नहीं है, ये सच्चाई है। वो बोलते हैं कि हमारे जो टीके हैं 4 उन्हीं को हम मान्यता देंगे और वो उन्हीं के टीके बने हैं, 2 अमेरिका के, आप सबको पता है, और इंग्लैंड का है, ये टीके ही हैं। फाइजर है, आपको पता है, फाइजर वर्ल्ड बेस, जो इंडिया में भी ये शायद अभी मिलने स्टार्ट हो चुका है। बायोनटेक, फाइजर या बायोनटेक इसको बोल सकते हैं। मार्डन, आपको पता है मार्डन बोल एस्ट्रोजेन का, जी हाँ इसको, और जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका, ये जो 4 टीके हैं ये यूरोपीय देश हैं, वो इनको 21-22 जो देश हैं वो मान्यता इनको दे रहे हैं, बाकी इनको एंट्री नहीं दी जा रही है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम सामने क्रिएट की हो सकती। बाकी हम बात करें कि भाई फ्लाइटों के बारे में, तो भाई देखिए गल्फ देशों में खास तौर से कहाँ के लोग रहते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है केरल साइड के। इंडिया एक सर्वे मेरे पास आया था, उसमें लगभग 12-13 लाख लोग दुबई से इंडिया आए थे, उनमें से 8-9 लाख लोग तो सिर्फ केरला के थे। तो आप ये सोचिए कि आप जैसे इधर साइड में उत्तरी भाग के जो स्टेट हैं, जिसमें राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, इन साइड के स्टेट हैं, यहाँ पर कोरोना कम है, नो डाउट। लेकिन आपको पता है कि फ्लाइटें सबसे ज़्यादा कहाँ से ऑपरेट होती हैं, केरला से भाई, केरला के सबसे ज़्यादा, यानी आप 20% लोग हैं, 80% लोग हुए हैं, आपको सबको पता है। इस बात का एग्जांपल 2020 मार्च में, अप्रैल मई में फ्लाइटें जो आ रही थी ना विदेश से, तो मैंने भी वीडियो बनाया, आप सबको भी पता होगा कि जितनी, जैसे मान लीजिए एक महीने में 200 फ्लाइटें आती तो उनमें से 180-170 फ्लाइटें केरला जाने वाली होती, बाकी 30 फ्लाइटों में ये सब स्टेट कवर होते थे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा हैं, समझ गए, तो फ्लाइटें भी फिर उधर जाती हैं। तो दुबई में, गल्फ देशों में, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, इन देशों में भी सबसे ज़्यादा केरला के लोग रहते हैं, आप सबको पता है। और भाई देखिए, अब आप सोचोगे यार कोरोना खत्म हो गया, लेकिन उधर की साइड में केरला में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। जी हाँ, एक सर्वे आज की रिपोर्ट की बात करें तो केरला में 24 घंटे में, जी हाँ, 16,148 केस एक दिन में एक स्टेट में आए, जो कि पिछले 38 डेज में सबसे ज़्यादा हैं। जी हाँ, आपको ये सोचने की बात है, जहाँ इंडिया में एक साथ में कोरोना केस कम हो रहे हैं, पूरी इंडिया में कितने केस आ रहे हैं स्टेटों में, 32-33 स्टेटों में मात्र 45-50 हज़ार के करीब आ रहे हैं, अकेले केरला में देखिए भाई 16,000 केस आ रहे हैं, और 80% लोग केरला के ही यूरोपीय गल्फ देशों में जाने वाले हैं, खासतौर से दुबई में, सऊदी में, कुवैत में, आप सबको पता है। तो भाई फ्लाइटें चालू कैसी होंगी आप सोच सकते हैं, क्योंकि
इंटरनेशनल स्तर पे देखें तो इंडिया में कोरोना कम है, लेकिन अगर स्टेट लेवल पे देखें सबसे, क्योंकि इंडिया की जो फ्लाइटें चालू होगी सबसे सब देशों के लिए होगी, ये तो नहीं कि केरला में केस ज़्यादा आ रहे हैं तो केरला के लोगों को हम एंट्री नहीं देंगे और बाकी स्टेटों के हम लोगों को एंट्री दे देंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो ये भी एक कहीं ना कहीं फ्लाइट में मिस लेट होने का एक रीज़न बनता जा रहा है। जी हाँ, हालांकि आप बोल सकते हैं कि हम डोज कोरोना के दोनों वैक्सीन टीके लगवा रहे हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज है पूरी कर रही हैं, लेकिन भाई सरकारें हैं उनको दिख रहा है वो नहीं मानते तो नहीं मानते, इनको क्या चैलेंज कर सकते हैं। तीसरी लहर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आने वाला है अगस्त के अंदर। जी हाँ, तीसरी लहर की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है, पूरे जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं इंडिया के अंदर, और कुछ केस अभी बढ़ने स्टार्ट हो गए। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखिए, आप खुद रिपोर्ट देखिए आंकड़ों के हिसाब से कि केस बढ़ रहे हैं कुछ स्टेटों में, तो भाई अगस्त में पूरी संभावना बताई गई है कि रोज 1,00,000 कोरोना मरीज हो सकते हैं अगस्त के महीने में। तो आप समझ सकते हैं भाई, ये जुलाई है, ये तो गया, 10 दिन बचे हैं, अगस्त अभी आने वाला है। तो अगर आंकड़े फिर से वापस बढ़ने लगे, फ्लाइटें पहले से बंद हैं, स्टार्ट नहीं हुई, तो कोई चांस नहीं अगले 2-3 महीने तक फिर फ्लाइटें स्टार्ट होने की। जी हाँ, तो ये एक भयंकर प्रॉब्लम आ सकती है। अपन हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अगस्त जुलाई के अंदर फ्लाइटें स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक बार फ्लाइटें स्टार्ट हो गई तो फिर वो 2-3 महीने बंद नहीं होने वाली, इतने में लोग सब सेटल हो जाएंगे, जितने लोगों को जाना होता है वो तुरंत फ्लाइट लेंगे चले जाएंगे, और उधर से लोगों को पता लगेगा फ्लाइटें भाई वापस जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो वो आएंगे नहीं। कहने का मतलब आप लोगों का रोजगार बच सकता है, आप लोगों के घर परिवार में प्रॉब्लम नहीं, अगर ऊपर वाले ने सुनी तो आप बच सकते हैं। बाकी भाई अगर इस महीने में जुलाई में फ्लाइट अगर चालू नहीं हुई तो जुलाई, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो तीसरी लहर में इंडिया में आगाज हो रहा है। अभी कोई भी न्यूज़ देखोगे तो तीसरी लहर पर ही आ रही है, तो इसका मतलब इंटरनेशनल स्तर पर जो लोग बैठे हैं जैसे दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन या कोई भी देश के, वो इंटरनेशनल स्तर पे क्या इंडिया के ऊपर उनकी नजर नहीं है कि इंडिया की स्थिति क्या, अगस्त में तीसरी लहर आ सकती है, तो उससे पहले अगर फ्लाइट चालू नहीं हुई तो दोबारा कोई चांसेस नहीं बनेगा फिर। ये मेरा ओपिनियन है और आप भी इस पे गंभीर विषय पे चिंता कर सकते हैं, ये सच्चाई है कि इंडिया में तीसरी लहर अगस्त में आने की पूरी पूरी संभावना है। आज की न्यूज बता रहा हूं, 1,00,000 पर डे केस आने वाले इस रिपोर्ट के हिसाब से बताए गए हैं, तो केस अगर बढ़ गए तो भाई फ्लाइटें फिर चालू होने की संभावना लगती आपको, चाहे आप कितने टीके लगवा ले, फ्लाइटें ओपन ही नहीं करेंगे तो जाओगे कहां से। हाँ, अगर जुलाई में 31 जुलाई से पहले फ्लाइटें स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर 1-2 महीने तक फ्लाइटें बंद नहीं होती, ये पीछे का भी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। इंडिया में जब यूरोप गल्फ देशों की फ्लाइटें और देशों की फ्लाइटें चालू थी तो इंडिया में आंकड़े कहां 10-20 हज़ार आ रहे थे, 1,00,000 से ऊपर पहुंच गए थे, 3-4 महीने तक 1,00,000 आ रहे थे, तब भी फ्लाइटें चालू थी, लोग जा रहे थे। इसी तरीके से अभी भी हो सकता है, अभी जुलाई एंड तक फ्लाइटें चालू हो जाए, फिर अगर तीसरी लहर भी आ जाती है तो भी फ्लाइटें बंद नहीं होने वाली है 1-2 महीने में। इतने में आप जितने भी लोग हैं लाखों की संख्या में इंडिया में बैठे हैं, सबके सब विदेश पहुंच जाओगे, तो आपका फिर आप वहां जाके जॉब करोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, तीसरी लहर से आप बच सकते हो। बाकी अगर फ्लाइटें जुलाई में स्टार्ट नहीं हुई तो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। बस ये आप लोगों के साथ जानकारी, जो भी मेरे विचार थे शेयर करने थे, अब इन विचारों से कितने आप सहमत होते हैं वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।